नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जेएमएम के जिला प्रवक्ता अरुण सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साहिबगंज जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से भाजपा वाले घबरा गए हैं, इसलिए बीजेपी वाले लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना झारखंड के सभी 21 से 50 वर्ष की सभी योग्य महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। अरुण सिंह ने कहा कि इस योजना से राज्य की 48 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें सरकार लगातार सरलीकरण कर रही है। इसमें आवेदन करने के लिए केवल 4 कागजात की जरूरत पड़ती है। इसमें कहीं से कोई भी बरग लाने की कोशिश करे ध्यान नहीं देता है देना है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन आवेदन भी हो रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि यदि कोई भी बिचौलियों पैसे के लेन देन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की क्रांतिकारी कदम है जिससे बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी, व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला परिषद सदस्य धनंजय सोरेन एवं अन्य लोग मौजूद रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम मीडिया साथियों को और इस बात का मतलब संज्ञान देना है यहाँ कि सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा जो अभी माताओं बहनों के लिए 21 से 49 साल के आयु वर्ग के लिए जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो संचालन किया जा रहा 3 अगस्त से, उसी संदर्भ में हम लोगों ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। चूँकि इसकी विशेषता यह है कि जितने भी माँ बहनें बची हुई हैं उनके सम्मान के लिए, प्रोत्साहन के लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजना बनाई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस योजना के चलते माताओं बहनों का बहुत ज़्यादा रुझान भी देखा जा रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग इस पे भी अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं लगा। इसलिए प्रेस के माध्यम से इस बात को कहना है कि योजनाओं सबों के लिए है, किसी पार्टी विशेष के लिए है नहीं। हमारे झारखंड में जो भी माँ बहने हैं, जिस तबके की भी हों, जिस ना कोई जाति ना कोई धर्म की बात है, सबों के लिए है। तो इसको बढ़ चढ़ के सबों को हाथ से हाथ मिला के काम करना चाहिए। कई कंफ्यूजन है किन किन दस्तावेज को प्रस्तुत करना है, उसको लेकर के कोई लोगों में दिग्भ्रमित है, आप ये बताइए कि क्या क्या है। 4 दस्तावेज रखा गया है। पहला की पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक का खाता और राशन कार्ड। राशन कार्ड में भी त्रुटि आई कि नहीं, भाई किन्हीं का राशन कार्ड चढ़ा नहीं है, तो पति का हो या पिता का, किसी का राशन कार्ड में उनका नाम अगर है तो उसको स्वीकार। नेट की समस्याएं कई जगह आ रही है। नेट की समस्या शुरू 3 दिनों में आई थी, जो सर्वर डाउन का ये था, लेकिन उसको सुधारते हुए ऑफलाइन की भी व्यवस्था कर दी गई है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम हो रहा है। अब तक 16 लाख से ऊपर फॉर्म को जमा लिया जा चुका है। कई जगहों से फॉर्म के नाम पर पैसे वसूली की मामला सामने आ रही है, उस पे सरकार क्या? इस बात पे सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हैं संबंधित जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का इस तरह के बिचौलियों के द्वारा, कर्जकर्ताओं के द्वारा या किन्हीं माध्यम के द्वारा अगर 1 पैसे का भी अगर आता है तो उस पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की बात हो रही है और इसमें 0 टॉलरेंस की बात।